अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सियाम महमूद और स्पार्क टीवी के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम दे रहा हूँ कि 2020 कोविड की वजह से हमारे लिए न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आफत ज़दा रहा। अब 2021 शुरू होने जा रहा है और 2021 में हमने एक नए जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ, नए जोश के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को 2021 में एंटर करना है। अब 2020 में जो हमने कुछ आइडियाज़ बनाए थे, हर बंदा अपने बिजनेस के हवाले से, अपने लाइफ के हवाले से प्लानिंग करता है, जो कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ये नहीं कर सके। अब 2021 में हमने नए जोश के साथ दाखिल होना है और वहाँ पर हमने नए प्लान बनाने हैं। हमने अपनी ज़िंदगी से मायूस नहीं होना, जो कि कोविड की वजह से हम बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं, फिनंशियल क्राइसिस आए, बिज़नेस को डिवेल्प नहीं कर सके। अब 2021 में हमने ये सारी चीज़ें तय करनी हैं और हमने पहले से ये प्लान करना है ताकि हमारा 2021 जो है वो अच्छा गुजर सके। अब 2021 का जो हमने प्लानिंग करनी है वो 2021 शुरू होने से पहले ही हमने ये तय कर लेना है कि हमने आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब 2020 के आखिर तक जो आपकी फैमिलीज़ के अंदर जो रिलेशन ख़राब हुए, अपने दोस्तों के साथ रिलेशन ख़राब हुए, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ रिलेशन ख़राब हुए, अब ये सारी चीज़ें भूल कर आप उनसे माफ़ी मांगें और आगे नई ज़िंदगी जो है वो शुरू करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, आपके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ उठें बैठें, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें ताकि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद अच्छे तरीके से गुजार सकें।